गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ सब ये वीडियो सब ऑन कर लीजिए, हम लोग ज्यादा आदमी नहीं है, 5-6-7 बंदा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो हम लोग एक दूसरे के नहीं देख पाएंगे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। सबका वीडियो ऑन कर लीजिए, सुरजीत শান্তনুকে দেখতে পাচ্ছি না এখনো। না না, শান্তনু কিন্তু ঢোকার চেষ্টা করছে, দেখুন তো শান্তনু ঢুকতে পারছে না কেন। শান্তনু ঢুকতে পারছে না কেন, হ্যালো কমলদা ঢুকতে পারবে প্রোগ্রামে হাফ ঘন্টার? হ্যাঁ লিঙ্কটা দিয়েছি দেখুন। তমালদা ঢুকছে, শান্তনু ঢুকতে পারছে না বলছে, দুবার লগ আউট করে আবার ঢুকলো। আমি বললাম তুমি, আমি ওকে ঠিক আছে, শান্তনুকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আবার আরেকবার লিঙ্কটা দেখে নি। ঠিক আছে আমরা স্টার্ট করে দিই, ম্যাডাম আবার জন্মাষ্টমী আছে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে, তো ন্যাচারালি আমরা ডিসকাসটা শুরু করে দিই। গুড ইভিনিং এভরিবডি, আমাদের অনেকটাই এর আগে আলোচনা করে নেওয়া হয়েছিল, তো আজকে সেটা আরেক ধাপ এগিয়ে যাব আমরা। তো রাজেশজি, রাজেশ সারোগি, রাজেশজি হ্যাঁ বলি। हाँ तो आप जो भेजा है मैडम है, मैडम अभी तुरंत उनका निकलना है क्योंकि उनका घर में वो किस लॉर्ड कृष्णा का पूजा है, इसलिए तो अभी हाँ तो ये हम लोग जल्द पहले बात कर लेते हैं उनके साथ। आप जो भेजा है हम तो भेज दिया, तो उसका क्या है क्लैरिटी क्या है? या गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जो पेपर मैडम को भेजा था उसमें ये कहना चाह रहे थे कि ऑलरेडी दूसरा ग्रुप है जो ये काम कर रहा है, तो जिस पैटर्न में वो काम कर रहा है अपने भी चाहते हैं कि सेम पैटर्न अपने फॉलो करें। वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश पैटर्न है एंड दे आर डूइंग फॉर दिस प्रोडक्ट इंश्योरेंस फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 इयर्स। तो अगर अपने उसको मोर ऑर लेस एज इट इज सिचुएशन में अडेप्ट कर लेते हैं विथ माइनर चेंजेस तो अपना काम बहुत ईजी हो जाता है। जो पॉलिसी फ्यूचर है उसमें पेरेंट्स इंक्लूडेड है, बच्चे लोग इंक्लूडेड है एंड पेरेंट्स आर इंक्लूडेड इमिडिएटली एज फार एज मेडिकल इश्यूज आर कंसर्न। और अगर अपने चाहते हैं कि नहीं कोई मेडिकल इश्यूज ऐसा है कि जिसके लिए अपने को 2 साल का बाद वेटिंग पीरियड लेना है, इन दैट केस प्रीमियम अपना कम हो जाएगा। सो बोथ द फैसिलिटीज आर अवेलेबल, वेदर यू वॉन्ट द वेटिंग पीरियड टू बी वेव्ड और वेदर यू डोंट वॉन्ट द वेटिंग पीरियड टू बी वेव्ड।
इफ यू डोंट वांट टू वेव आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, सॉरी इफ यू डोंट वांट टू वेव तो प्रीमियम ज्यादा होगा, इफ यू वांट टू वेव द वेटिंग पीरियड कि हमको 2 साल तक वेटिंग पीरियड चाहिए तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा. एंड एवरीबडी इज मेकिंग हिज ओन पेमेंट एंड एवरीबडी इज गेटिंग द पॉलिसी सेपरेटली, उस हिसाब से सबका काम बन जाता है, उसमें बहुत बड़ा हेडेक है नहीं अपना. एंड सिंस एज फार एज पेमेंट इज कंसर्न्ड, द पेमेंट हैज टू बी मेड डायरेक्टली टू द कंपनी, तो उसमें सिस्टम बना रखा है नो चेक्स विल बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड. सो दैट द क्वेश्चन ऑफ दैट आई गेव द चेक टू मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इफ ही फॉरगॉट टू डिपॉजिट दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्वेश्चन आएगा नहीं. If somebody need to make the payment, he has to make online payment directly to the bank account of the company. उसमें काम अपना बहुत इजी हो जाता है, किसी का भी ब्लेम का जो स्टोरी है वो नहीं रहता है. I don't want any of the office bearer to take the blame. कि they have accepted the check from the concerned member, but they have not deposited in the bank. ऐसा नहीं होना चाहिए. So this is the gist of the policy. And it is far, far better than any other medical policies that are available on a standalone basis. So, agar apne jata hai, it will be a very good landmark as far as the as far as members are concerned, as far as their social benefit is concerned, and it can spread to the entire country. No doubt, it will start on a very small level. But gradually people will start joining and by the end of the year we can expect a very good number. So this is what I need to say on this part. Exactly. Any number of people can join. Right. हाँ, ये बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा. तो मैडम expect भी नहीं कर सकता है. हाँ, ये पॉलिसी का मेरी ने प्रॉपर वे बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा. बहुत बड़ा ग्रुप है, हम देख लिया वो जो फीचर है वो सही ढंग से करेंगे तो 10,000, 15,000, 20,000 को बहुत माने कोई बड़ा बात नहीं है ग्रुप बनने में. राइट, तो वो बन जाएगा. जो अपना एक कैटेगरी है लोअर कैटेगरी ऑफ पिरामिड्स में जहाँ मोर देन 60,000 मेंबर्स है, तो अगर इवन इफ यू एक्सपेक्ट कि ओनली 1/10 ऑफ देम आर जॉइनिंग, स्टिल 5,000-6,000 का ग्रुप बन जाता है. 5,000 का अगर मेंबर होता है प्लस फैमिली मेंबर इच का अगर 5 members पकड़ता है या 4 members पकड़ता है तो बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है. वही तो बोल रहे हैं, 20,000 तो हो जाएगा. तो ये मेरा कहना है अगर अपने उसके फॉलो करता है प्रीमियम बहुत ही अच्छा बन जाएगा. तो मैडम आप बोलिए, जो देखा है आपको जो भेजा है आप क्या इसमें क्या किया है वो एक बार बोल दीजिए आप. हाँ सर, सबको गुड इवनिंग. देखिए, मैंने बहुत सारी कंपनीज में बात करा था, तो हमारा जो ये प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ नेशनलाइज कंपनीज करेंगी. नेशनलाइज कंपनीज में उन लोगों ने पहले हमसे हमारा एसोसिएशन का डिटेल मांगा कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, वो कितने साल से ऑथराइज्ड, कितने साल से रजिस्टर्ड है. ये सब चीजें मैंने कल गौतम दास से लेके दी थी. सिंस आज मुंबई में भी छुट्टी है, मेरे को कोई रिवर्ट नहीं मिल पाया. बट मैंने 3 companies में बात करी हुई है, नेशनल में बात करी हुई है, न्यू इंडिया में भी बात करी है और ओरिएंटल में भी बात करी हुई है. तीनों लोग सबसे पहले उस पर डिपेंड करते थे कि आजकल हम लोग ऐसा ग्रुप पॉलिसी बनाते नहीं है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए. मैंने सबको प्रूफ दिया है, सबको दिखाया भी है हम कब से रजिस्टर्ड हैं. तो उन्होंने बोला ओके, वी विल कम बैक टू यू बाय आस्किंग आर सीनियर्स. कि क्योंकि मैंने आपके सारे पॉइंट्स उसमें रख दिए कि हमारा इसमें एक तो टैक्स बेनिफिट हमको इंडिविजुअल लेवल पे मिलना चाहिए, हमारे जो भी हमारी प्रीमियम्स रहेंगी वो नेक्स्ट ईयर सब बंदा अपनी अपनी प्रीमियम्स पे करेगा एंड इट विल बी फॉल अंडर 1 umbrella. एग्जैक्टली. सो ये सब मैंने चीजें उनको बताई हैं. बट सी अब जाके उन लोगों को एसोसिएशन का डिटेल मिला है, नाउ दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सेम, बिकॉज उसके पहले दे वर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग टू देम. Right. In
I am speaking from Mumbai branch only because I don't want anybody local to interrupt because कहीं ना कहीं क्या होता है सर कि local में मैंने national में बात करी थी but people are not so aggressive. I am not going to office. I am ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता है, आपको एक ही check देना पड़ेगा सबके लिए. I was getting such type of reverts. Then I decided कि I should interfere Mumbai people in this. And I should discuss the same thing with them. They didn't send me no straight away. They said, okay, you send us the certificate or you send us the registration detail. We will find it out and come back to you. Okay. Because local mein, I don't know what the scenario here is, how they do. I have spoken to very high person of national insurance. Mm-hmm. But he was not very keen of doing. I am following up him from last 1 week. Mm-hmm. Daily there is some or the other issues which he is complaining me. So I have stopped talking to him now. I am pitching to New India. I am pitching to Oriental and National from Mumbai itself. Okay. So then what to do now, madam? अभी क्या करना चाहिए हम लोग का? Wait and see. सर अभी कुछ नहीं करना चाहिए. देखिए सबसे पहले कल जैसे आज हमारी बात, आज मेरी व्हाट्सएप पे मेरी हेड से बात हो गई थी. उन्होंने मुझे बोला है, सिंस हमारे हेड ऑफिस में भी आज छुट्टी थी तो इसलिए मैं किसी को बात नहीं कर पाई, बट उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने वो सर्टिफिकेट उनको डिटेल भेज दी है. आई गेस टुमारो तक वो दे विल कम टू नो व्हाट एसोसिएशन वी आर अंडर एंड दे विल बी डूइंग इट और नॉट. मिस्टर सरावकी, ये जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रुप का बोला है वो लोग का, उन सब का भी नेशनलाइज कंपनी से हुआ है? हेलो जी. क्या बोला आपने? मैं बोल रही हूँ जो चार्टेड अकाउंटेंट ग्रुप का है, जो चार्टेड अकाउंटेंट ग्रुप का अपन ने बात करी है या जैन इंटरनेशनल की बात करी अपन ने, दे ऑल हैव डन फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड कंपनी ओनली. चार्टेड अकाउंटेंट का नेशनलाइज्ड कंपनी के साथ है जी, ये मेरे को मालूम है. एंड वो न्यू इंडिया के साथ है, ये मैंने 3-4 साल पहले देखा था. एज ऑन टूडे किसके साथ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 साल पहले सर, बिकॉज आई हैव ट्राइड टू ऑल प्राइवेट कंपनीज. आई एम वेरी मच इन टच विद ऑल द हेड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज. हमारा डेली बेसिस पे बातचीत होती रहती है, कॉन कॉल्स होते रहते हैं. तो प्राइवेट कंपनीज आई डोंट थिंक कि दे विल एंटरटेन. प्राइवेट एंटरटेन भी नहीं करेंगे एंड नॉट ऑल द मेंबर्स विल बी कंफर्टेबल विद प्राइवेट. उनका ऑलरेडी इंश्योरेंस होगा तो उनको हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं. हम लोग जो छोटे मेंबर्स है अपने, जो नए नए एजेंट बने हैं जो इंटीरियर्स में रहते हैं, हम लोग उनको टारगेट कर रहे हैं. उसी का बेस है कारण जो भी बड़ा मेंबर होगा उसका इंश्योरेंस डेफिनेटली अपना होगा, वो अपने साथ नहीं आने वाला है. और अगर हम प्राइवेट कंपनी का नाम देंगे तो मे बी वो कंफर्टेबल नहीं होगा. अगर गवर्नमेंट कंपनी का नाम देते हैं तो उनको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा. ज्यादा बिल्कुल नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी में आप कस्टमाइजेशन ज्यादा दे सकते हैं. प्राइवेट कंपनीज में दे हैव गॉट सर्टेन बाउंड्रीज जिसमें वो लोग इतना रिस्क नहीं लेते. तो आई हैव सिलेक्टेड, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि मैंने 3 कंपनीज को अपना डिटेल से बात करी है. एंड अब उनका क्या डिसीजन रहता है, क्या सिनेरियो रहे अभी वो मैं, अगर वो लोग मेरे साथ कॉन कॉल पे आते हैं तो आई विल टेक यू और गौतम जी ऑन कॉल एंड वी विल डिस्कस देयर एंड देयर इट्सेल्फ. नहीं, एक बार कॉन कॉल पे नहीं जाते हैं, एक बार अपने जो फ्यूचर्स अपने को चाहिए आपने उनको आपको हम लोग ने दे ही दिया है. मोर और लेस वही फ्यूचर्स देंगे. तो वंस दे एग्री इन प्रिंसिपल कि ऐसा काम कुछ हो सकता है एंड द अमाउंट ऑफ डाटा दे आर आस्किंग कि क्या क्या
उसपे वो लोगों को दिक्कत नहीं है, दिक्कत उन लोगों को ये है कि हमको एक चेक चाहिए। नहीं एक चेक दिक्कत वाला काम, उन लोगों को देखिए एक चेक नहीं, नहीं वही मैं बोल रही हूँ। प्रॉब्लम यही आएगा कि हम इस साल दे देंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं देने वाले हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि मेरा जहाँ पे भी बातचीत हो रही है वहां पे मुझे इसी बात पे रुकना पड़ जा रहा है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं अच्छा हम ठीक है पूछ के बताते हैं, क्योंकि वो बोले कि मैडम ग्रुप इंश्योरेंस में तो हम एक सिंगल चेक लेते हैं। आई गिवन देम दिस मॉडल कि इफ वी कैन वर्क ऑन दिस मॉडल तो दे सेड ओके वी विल कम बैक टू यू। हाँ वो अपना प्राइमरी कंडीशन है, जब वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा है तो अपने उनके साथ वो जूम मीट करें या जाके मिले तो कोई पर्पस नहीं होता है। कारण आप जाके नहीं, नहीं मैं बोल रही हूँ अगर कंडीशन मीट हो जाएगी देन आई विल टेक। हाँ तभी बात करने में वर्थ है कि अपने बात कर रहे हैं। ये हमारे पॉइंट से हमारे दो चार पॉइंट में डाउट्स आ रहा है, ये ऐसा नहीं हो सकता ऐसे करना है तो अपने कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि मेरा खाली एक कंसर्न है बार बार कि हमको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल करवाना है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल अगर ऑटोमेटिकली हो जाता है तो कोई मेंबर नहीं करना चाहता तो मेरा पर्सनल हेडेक नहीं होना चाहिए। रिन्यूअल नोटिस आपके साइड से चला गया या हम लोग एज एसोसिएशन एक बार रिन्यूअल नोटिस भेज दिए सबका चार्ट बना के कि सबका ये प्रीमियम है, जो देगा उसका कंटिन्यू होगा जो नहीं देगा उसका खत्म हो गया कैंसिल। हम लोग उसको बार बार इंसिस्ट नहीं करेंगे कि भैया आप कवरेज आपका हो रहा है तो इसलिए आप बार बार पेमेंट करिए। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी बोर्ड बनेगा एक साल के बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हेडेक नहीं होगा कि किसी भी मेंबर के पॉकेट से पैसा जा रहा है, नहीं तो जो भी बोर्ड में इनिशिएटिव लेगा बेचारा उसका पैसा चला जाएगा और उसको जो भी कंसर्न बन रहा है वो पैसा दे रहा है नहीं दे रहा है सब काम ही नहीं करेंगे। उसका मैंने एक अच्छा फ्यूचर था कि वो चेक लेते ही नहीं है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो द क्वेश्चन कि समबडी टुक माय चेक, ही डिड नॉट पे द मनी, फॉरगॉट टू गिव द चेक, वो सब सारा चैप्टर खत्म हो गया। कल ना कोई वजह से उस पीरियड में क्लेम होता है तो वो हेडेक अपने को लेना ही नहीं है। हम लोग एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग कोई हेडेक लेने का काम नहीं करना चाहते। तो प्रोडक्ट जितना सिंपल एंड क्लियर रहेगा उसमें बहुत आराम हो जाएगा सबके लिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अभी बड़ा होगा नहीं तो बड़ा भी नहीं हो पाएंगे, क्यों वो लायबिलिटी दिक्कत हो जाएगा। और ये तो ये देखिए जब स्टार्ट हो जाएगा ना हर महीने 200-500 बंद हो जाएगा हर महीने, हर महीने ऐड होता होगा, ये पूरा पूरा साल भर चलेगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। हाँ जैसे आपका अभी मेंबरशिप है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आदमी लोग ज्वाइन होता ही रहता है, हाँ तो उसके पे प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, इट इज नॉट द एंड, इट इज द बिगनिंग, इट इज बिगनिंग। हो हर समझ लीजिए हर महीने 100 मेंबर जुड़ हुआ है तो 100 मतलब 500 का तो होगा ही, एवरेज 5 नहीं तो 4 है तो 400 तो हो जाएगा हर महीने, जो भी आराम से हर महीना कुछ ना कुछ होना ही होना है। हाँ जैसे जैसे मोमेंटम गेन करेगा वैसे वैसे मेंबर बढ़ जाएगा उसपे, एंड एक अपने अच्छा से ब्रोचर बना देगा से आफ्टर फर्स्ट मंथ टू मंथ। हम लोग तो स्टार्टिंग में 2-3 हजार करके ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। पहला बार अपने रोक सकता है कि विल स्टार्ट आफ्टर सम डेज, लेकिन उसके बाद मेंटेन रहेगा उसमें, हर महीने चलेगा। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, रनिंग प्रोजेक्ट, पूरा ट्रेन का तरफ चलेगा, हर स्टेशन में रुकेगा, पब्लिक उतरेंगे, पब्लिक उतरे जाएंगे, नया पब्लिक उठेंगे, ऐसा चलेंगे, पूरा ट्रेन चल रहा है मैडम, समझ गया ना, पूरा ट्रेन चलाएंगे हम लोग। बिल्कुल, मैं भी इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे को एक बार एक बंदा कोई भी क्लैरिटी दे देगा ना, हाँ, कि हमको ये वाली चीज आपकी समझ में आ गई, आई विल नॉट टेक अ सिंगल डे टू रिएक्ट ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है सर कि जो कंडीशन मुझे यहाँ पे नेशनलाइज कंपनीज में दिख रही है, आई लिटरली आई लॉस्ट होप, मतलब मैंने तो कलकत्ता में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बिकॉज आई डोंट वर्क इन नेशनलाइज कंपनी, मेरा टाई अप होने के बाद भी आई डोंट डू एनी नेशनलाइज वर्क, आई नो आप लोग सब करते हैं उसमें, बट हमारे लिए क्या होता है कि इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस बिकॉज दैट गाय आई एम फॉलोइंग अप हिम फ्रॉम लास्ट 7 days। आज मैडम हमारा जोन क्वारंटाइन हो गया है, आज हमारा ये बंद हो गया है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टूडे, आई विल स्पीक टू यू लेटर, मतलब सर उसके बाद आई हैव नॉट कॉल्ड इन द 8th डे, आई हैव
शिफ्टेड टू मुंबई ऑफिस, मैंने न्यू इंडिया और नेशनल वाले से बात करी वहां पे, एंड दे टोल्ड कि ओके वी विल कम बैक टू यू, जस्ट गिव अस अ ग्लिम्प्स कि कौन लोग हैं और कैसे क्या करना है. राइट, सो एटलीस्ट दे हैव लिसन टू मी, दीस गाइस आर नॉट लिसनिंग ओनली. आई नो कि नहीं, इट इज अ कंडीशन इन ईस्ट सर, होता है बिकॉज पीपल यहाँ पे, आई नो बिजनेस ज्यादा है पब्लिक कंपनीज में, बट दिस एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर आई गेस. एंड आई वाज सो होप, मतलब मैं तो पूरी होप छोड़ दी थी. आई वाज अबाउट टू कॉल गौतम दा कि कलकत्ता में तो कुछ होने वाला नहीं है, बट देन स्ट्रिक्टली मुझे कुछ स्ट्राइक हुआ कि लेट अस टॉक टू मुंबई पर्सन, उन्होंने मुझे नंबर वंबर दिए, तो लेट्स सी सर कैसे कर सकते हैं. उन्होंने मुझे आइडिया भी दिया है दो तीन, क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल सारा जाएगा आपके लिए. बिल्कुल राजेश जी, थैंक यू वेरी मच. हेलो मैडम. हेलो मैडम, आई एम सुब्रतो सर्कल स्पीकिंग. आई हैव अ क्वेश्चन टू यू. यस सर. If I will tie up, will tie up with any PSU or any insurance component directly, or I want to know what is the difference in between in this insurance will be taken any insurance company directly. What is the difference? आपका थोड़ा सा line last का मेरे को सुनाई नहीं आ रहा है. I'm audible, madam. Hello. Sir, आपका आप audible थे, last की दो line आपकी सुनाई नहीं थी मुझे. Just I want to know what is the difference in between if we will take this insurance from any insurance company directly or in any mediator just like broker house. What is the difference? Sir, I'll tell you one thing कि why broker house exists. अभी आप देखेंगे कि IRDA ने ब्रोकर हाउस में पॉस फैसिलिटी दे दी है कि जो नॉर्मल एजेंट बनता है दूसरी कंपनीज में वो ब्रोकर हाउस में जाता है, वो पॉस बनता है तो सारी कंपनी सेल कर पाता है. दे हैव गिवन अ वेरी बिग मीडियम टू ब्रोकर हाउस. देयर इज जो बिग ब्रोकर्स होते हैं उनका नेशनल टाइप होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मेरा कलकत्ता में नहीं बात हुआ है, मूव टू मुंबई. It is not an easy task for an individual to go to public companies and sir, see, you people are in the field, okay. But it is not an easy task for a layman to go to public oriented companies and do their work. Broking house, जितना pain लेती है, sir, एक minute में कंपनीज गेट टाइप्स हटा देती हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ब्रोकर टू मेंटेन देयर सिग्निफिकेंट रोल्स इन द पेरेंट कंपनी. इफ यू एज अ पर्सन विल गो टू नेशनल और न्यू इंडिया डायरेक्टली, सर एक ग्रुप में आप कोई भी एग्जाम्पल हो, आप कोई भी एक गिफ्ट खरीदने जाते हैं, वी गो टू एक गिफ्ट खरीदनी होती तो हम रिटेल शॉप पे जाते हैं, और अगर हमको बहुत सारी गिफ्ट खरीदनी है तो हम होलसेल मार्केट जाते हैं. इट इज यही एक डिफरेंस है कि व्हेन एंड आप दिस कैन बी डन बाय एन इंडिविजुअल एजेंट ऑल्सो, बट वाई वी हैव टर्न टू ब्रोकर बिकॉज ब्रोकर की रीच इज मोर देन एन इंडिविजुअल एजेंट. Are you clear, sir? Haan, clear, madam. But there will be, I think, if we will tie up with any insurance company, not only PSU, private sector, maybe we can accept, there will be premium will some reduce. Sir, private sector, aap nahin manenge, dada. Maine मतलब आप, मैं जिनके साथ रोज बैठती उठती हूँ, लोम्बार्ड हो गया आपका, रिलायंस हो गया आपका, टाटा हो गया आपका, अब मैं यूनिवर्सल सोम्पो तक टच कर गई. बट क्या होता है सर कि इन लोगों की रिस्क कैपेसिटी बहुत कम है. ये लोग आपने जैसे बोला ना, जितने पॉइंट्स आपने दिए हैं उसमें से मैं आपको बता रही हूँ मुश्किल से दो या तीन पॉइंट दे विल गो विथ,
रेस्ट वो लोग बोलेंगे नहीं मैडम नहीं होगा या तो प्रीमियम इतना हाई कर देंगे कि वी विल नॉट एबल टू डू ओनली सर. जो प्राइवेट कंपनीज आप बताइए, मैं सिग्ना टीटी के पास गई, मैं रैलीगर के पास गई, मैंने सबको मेरा प्लान समझाया व्हाट आई एम टू डू. सर मेरे लिए सबसे इजीली रीचेबल है प्राइवेट कंपनीज. मैंने सर बिरला कॉर्पोरेशन इन सबका ग्रुप मेडिक्लेम मैं ही देखती थी. मगर उसमें क्या होता है सर कि उन लोगों का इजी था, उन लोगों के एज एम्प्लॉय था, उनकी लिस्ट बनी हुई थी, फटाफट गया यूनिवर्सल सम्पो ने उनका प्रीमियम पे कर दिया. बट दीज कंपनीज जो रहती है सर, इन लोगों का क्राइटेरिया अलग रहता है. हमको अगर इतना बड़े ग्रुप की तो हमको नेशनलाइज कंपनीज में ही जाना पड़ेगा. आजकल मर्जर हो रहे हैं सर, आजकल जो प्राइवेट कंपनीज में मर्जर हो रहे हैं, आप देखिए अभी अपोलो म्यूनिक और एचडीएफसी अर्गो का मर्जर हुआ. यू जस्ट सी एचडीएफसी अर्गो ने रातों रात अपना रिन्यूअल, आप देखिए कितना प्रीमियम हाई हो गया. And people have no other option whether उस पोर्ट करने के अलावा. I am not against private companies. मैं private companies ही करती हूँ sir. But आप लोगों के केस में what I think is we should better go to nationalized companies because वहां पे customization ज्यादा हो सकता है. I have no issues अगर private company में भी करना हो. है मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ. मान लीजिए हम लोग न्यू इंडिया से डायरेक्ट बात कर लेंगे और नेशनल और ओरिएंटेड जो पीएसयू चारों कंपनी है प्रीमियम थोड़ा उधर कम पड़ेगा ना. यहाँ पे जो ब्रोकरशिप जो कमीशन आता है वो वहाँ पे नहीं लगेगा और जो डिस्काउंट ज्यादा वहाँ पर मिलता है वो तो ब्रांच के ऊपर निर्भर करता है, डिविजन मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है. वहां से डिस्काउंट भी ज्यादा मिलेगा. ये आपको हम लोग माने एक क्वेश्चन है. ये तो आप लोग डिसाइड करिए, मैं क्या उसमें बता सकती हूँ. दिस तो यू नहीं यू वांट टू गो विद डायरेक्ट. आप लोग सब मार्केट के लोग हैं, यू नो व्हाट कमीशन कम्स इन ग्रुप इंश्योरेंस, यू नो एवरीथिंग. आई एम जस्ट बिकमिंग अ मीडियम टू इंटरवीन बिटवीन यू पीपल. इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट इफ डायरेक्टली यू कैन गो. आई हैव नो इश्यूज. मैं आपको जो जानकारी था जो डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट में और ब्रोकरशिप में डिफरेंस क्या था, कोई क्या होता है? यू नो बेटर सर, मतलब यू नो बेटर हाउ ब्रोकर वर्क एंड हाउ एन इंडिविजुअल एजेंट वर्क सर. ओके ओके. आई एम अ ब्रोकर, आई विल टॉक अबाउट ब्रोकर ओनली सर. ओके 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 ओके. थैंक यू मैडम. थैंक सर. एक अपन को घर लेने जाना रहता है, इफ यू कॉल अ ब्रोकर, आपका आपका सारा जो रहता है ये ब्रोकर है, आपको 10 जगह घर दिखाता है वो. इंडिविजुअली पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग ना ब्रोकर का. एनीवे वो तो आपका डिसीजन है सर. आई एम नोबडी टू से. ठीक है मैडम. थैंक यू मैडम. ठीक है. एकदम सही बात हो. और कुछ बात है मैडम को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनका घर में पूजा है. राजेश जी, मनोज जी, और कुछ बात है मैडम का साथ? दो मिनट मैडम को, एक बार मैडम को दो मिनट रोकिए, मैं दो चार पॉइंट थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ. हाँ हाँ मैं हूँ सर, आप बताइए. हाँ मैडम. हाँ जी सर. मेरे को जैसे पहले जो इश्यूज मेरे हिसाब दिमाग में आ रहा है, जब भी कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी इन लोग करेगा, इट शुड हैव ए स्टार्टिंग डेट एंड इट शुड हैव ए डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब जिस दिन ये पॉलिसी खत्म हो जाएगा. और अभी मेरे ख्याल से जितना है, मेरे को पता नहीं अभी ग्रुप में का ये लोग पॉलिसी दे रहा है कि नहीं. आई डोंट थिंक ये अभी भी दो साल का दे रहा है, एक साल का ही मैक्सिमम पीरियड मिल सकता है. जी ठीक है जी. हमें ओके तो पकड़िए. जैसे हम लोग एक जो ग्रुप. हाँ हेलो हेलो बोलिए. जैसे पकड़िए, हम लोग ये जो ग्रुप इंश्योरेंस के बाद बोल रहे हैं,
ये 1 सितंबर 2020 से चालू किए तो ये 31 अगस्त 2021 में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है जी सर, am I audible? Yeah, yeah, you are audible. Yes, yes, yes. तो जैसे हम लोग अभी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि बीच में मेंबर्स लोग एडिशन करेंगे तो वो तो उसका प्रीमियम कैलकुलेशन फिर कैसा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पता है कि 6 महीने से ज्यादा होने से उसको पूरा साल का प्रीमियम देना पड़ेगा और वो 6 महीने से कम आएगा तो 6। आप जो कह रहे सर ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 जनवरी को ज्वाइन कर रहे हैं आपका एक साल खत्म होगा 31 दिसंबर को, मैं 1 फरवरी को ज्वाइन कर रहा हूँ मेरा एक साल खत्म होगा 31 जनवरी को, सबका 1 ईयर अलग अलग चलता रहेगा। Everybody will be having a separate policy. इन पॉलिसी का आपका टर्मिनेशन आगे हो जाए तो फिर ये चीज मेरे ख्याल से टेक्निकली वो लोग अलाउ करेगा कि नहीं, मेरे को डाउटफुल लग रहा है। ये IRDA के जो गाइडलाइंस है उसके साथ मैच करेगा कि नहीं, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा डाउट है, वो चेक कर लेंगे वो पॉइंट पे, नहीं तो ऐसा वो पॉइंट एक बार देख लें। वही सर, वही पॉइंट चेक करने के लिए रुके हैं हम, उसके अलावा जो हमारी जो बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो चीजें हैं वो तो कस्टमाइजेशन में आ ही जाएंगी, हमारे पेरेंट्स को इंक्लूड करना, हमको प्री एक्सेप्टेंस आ ही जाएंगी, हमारे को जो मेन पॉइंट जो आपने बोला वो ही देखना है। ये पॉइंट ही सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है, इसको IRDA का गाइडलाइन के साथ मैच कराना, इसके पहले भी मैं इसी पॉइंट समझ गया, अपने इसमें फिर एक दूसरा ऑप्शन कर सकते हैं, पॉलिसी ब्रॉडर फ्यूचर वही पॉलिसी रहेगी, जो भी मेंबर 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका नेक्स्ट 1 तारीख को पॉलिसी अपने बना देंगे, तो 12 पॉलिसी अपनी बनेगी 12 महीने की, तो कोई भी मेंबर किसी भी ग्रुप में ज्वाइन हो गया, आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई बीच में आया तो अपने 10 दिन का उसका प्रीमियम ले, 12 ग्रुप फिर 12 ग्रुप In that case, we have to prepare 12 group. इस तरीके से भी नहीं करेंगे क्योंकि 12 ग्रुप लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक ग्रुप के लिए एक ही पॉलिसी दे सकते हैं, एक ग्रुप के लिए 12 पॉलिसी का भी नहीं 12 ग्रुप बन गए, जो भी आदमी जनवरी में पैसा दे रहा है 12 जनवरी को पैसा दे रहा है उसको अपने 1 फरवरी वाले ग्रुप में डाल देंगे, जो आदमी 10 फरवरी को पैसा दे रहा है या 5 फरवरी को समझ रहा हूँ, पकड़िए हम लोग वो नहीं बोल रहा, पकड़िए आप जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम है XYZ, वो XYZ के नाम लोग एक ही पॉलिसी इशू करेंगे, वो लोग 12 महीना के लिए 12 पॉलिसी इशू नहीं कर पाएंगे, नहीं मेंबर सब अलग अलग है ना उसमें, मेंबर्स अलग होने से भी क्या, क्योंकि ग्रुप का नाम एक है, उसका आइडेंटिटी एक है, उसका पैन नंबर एक है, उसका आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक है, ये लोग सब कुछ लेंगे आप लोगों से, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक है, अच्छा मेंबर अलग होने से भी उन लोग सबसे वो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, मैं जानता हूँ कि मैं इस तरीके से चीज पहले भी फेस किया। अच्छा तो अगर जो देख लेते हैं फिर कैसा वर्कआउट होता है, लेट देम कम अप विद अ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन आता है, अभी यही बात, ये सॉल्यूशन अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से बाकी कस्टमाइजेशन में दिक्कत नहीं होगा, यही वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, पहले जो 6 महीना के पहले ज्वाइन करेंगे उन लोगों को 12 महीना का पैसा देना पड़ेगा, पर मिलेगा जब तक हम लोगों को मेन पॉलिसी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और बाकी जो 6 महीना का उन लोग फुल पेमेंट करेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर से उन लोग पूरा साल का मिल जाए। हाँ तो वो से कर सकते हैं, इस बार आपका थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगेगा, 6 मंथ्स का कवर हो रहा है, नेक्स्ट ईयर से आपका फुल ईयर होगा, अप्रूव नहीं किया था मैं, बहुत सीनियर में एकदम GM लेवल, अभी अगर चेंज हुआ है वो हो सकता है, उसमें देखियो बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा, तो वी नीड टू फिक्स अप ए डेट कि भैया जो आदमी 17 तारीख को पैसा दे दिया इतना हो गया है, अपने फिर जो एडिशन करना है जैसा आपने बताया कि 6 महीना के बाद एडिशन होगा, तो विल मेक इट दैट वे कि 6 महीना के बाद एडिशन होगा, जैसे व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट कंपनीज में एम्प्लॉई लोग भी तो ज्वाइन करते हैं बीच में, तो उनका भी तो इंश्योरेंस होता है, नहीं होता अगर उनका, अगर नेक्स्ट ईयर से होता तो अपने भी नेक्स्ट ईयर से करेंगे, उनका भी ऐसे ही होता है, उनका भी वो उस तरीके से ही वो लोग करते हैं,
वो प्रोपोर्शनेटली उन लोग से लेते तो अपने भी प्रोपोर्शनेटली कर देंगे जो भी उस तरीके से वही बोल रहा हूँ आगे इस चीज को पहले क्लैरिफाई कर ले इस चीज को क्लैरिफिकेशन वो सारा क्लैरिफिकेशन पहले ही होगा उसके बाद ही अपने आगे बढ़ेंगे जो अपना डाउट्स है अपने सब सामने रख दिए सारा क्लैरिफिकेशन यही सबसे बड़ा अपना क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर सब अपना रेडी हुए बनी देख रही थी फ्यूचर नॉर्मल है सही है प्रैक्टिकल है वर्केबल है अपने आगे बढ़ेंगे कारण प्रैक्टिकल और वर्केबल नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं आगे बढ़ना कारण कलेक्टिंग फर्स्ट प्रीमियम इज नॉट ए प्रॉब्लम कलेक्टिंग सेकंड प्रीमियम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर अपने सेकंड प्रीमियम कलेक्ट नहीं कर सकते मतलब हम लोगों को जो आगे नहीं पढ़ना अपने को हम लोगों को पॉलिसी को क्या कि आईआरडीए के गाइडलाइंस का अंदर उसको बैठाना पड़ेगा उसको कैसे वो फिट हो रहा है वो चीज ये प्रॉब्लम कंपनी का है कैसे गाइडलाइन में फिट होना है अपने एज ए कंसल्टेंट तो इन लोगों को मेरे ख्याल से एक बार न्यू इंडिया जबकि इंडिया में सबसे बड़ा ये है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है मैडम एक बार न्यू इंडिया के साथ सीनियर बात करके इसको फिट करा सकती है तो तब मेरे ख्याल से जाके काम आगे बढ़ सकता है तो देख लेते हैं मैडम तो बोल रही है बात कर लेते हैं कानून क्या मैं न्यू इंडिया से ही बात कर रही हूँ ओके ओके और आपने जो क्वेश्चन बोला है बात में यही पॉइंट है कि वो कैसे अपन को सेकेंड ईयर वाला ही चीज देखना है फर्स्ट ईयर में तो अभी सब सातवें चेक दे देंगे और कुछ लोगों को देखकर लोग दो तीन महीने में और भी आ जाएंगे ओनली 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 थिंग इज दैट कि हमको सेकेंड ईयर का कैसे देखना है बट वी विल गो विथ आईआरडीए रूल्स ओनली सर अगर कंपनी अलाउ नहीं करेगी सच थिंग आजकल एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेडिक्लेम सो आई डोंट थिंक कि सारे लोग सोच समझ के आते हैं इट इज नॉट अ प्रेशराइज थिंग सो आई डोंट थिंक कि नेक्स्ट ईयर इतना प्रॉब्लम आना चाहिए बट एनी वे इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड आपने जो बात बोली वो बिल्कुल यही पे चीज अटक रही है अदरवाइज और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को पास्ट में यही इसी में ही प्रॉब्लम आया था मैं ओपन ग्रुप के लिए करने गया तो मेरे को इसी पॉइंट में ही प्रॉब्लम आया था उस एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी एकदम सही बोल रहे हैं आप मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में यही कम्युनिकेट करा कि सारी चीजें कस्टमाइजेशन वाली चीजें तो सब हो जाएंगी ओनली थिंग है हमारा प्रीमियम बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगा खाली इसी जगह में जाकर आपका प्रॉब्लम आएगा बिल्कुल डिफरेंट चेक्स लेने का या डिफरेंट का पेमेंट अलग अलग करने का दिस विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि कैसे ये लोग कर सकते वो उनसे बात करनी है अदरवाइज बाकी सब चीजें हो जाएंगी बाकी सिर्फ हो जाएगा बस ये मेन प्रॉब्लम है ये अगर सॉल्व हो गया तो बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएंगे जी थैंक यू मैडम तो ठीक है ठीक है मैडम आज आपको हम लोग छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया ऑलरेडी तो ये कोई बात नहीं और कोई और क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए अपन कर लेते हैं पांच हाँ ये सुरजीत एनी क्वेश्चन फ्रॉम सुरजीत एक्चुअली जो लोग काम ये मेडिकल पर बहुत काम कर रहा है ना वो लोग क्वेश्चन करेगा तो अच्छा होगा कि उनका पता है क्या है नहीं है तो टॉप क्लैरिटी मिल जाएगा सुरजीत कहाँ गया चला गया क्या सुरजीत मेरा ख्याल से वो नहीं सुन पा रहा है तो ठीक है और किसी ठीक है तो जो क्वेश्चन हो गया तो मैडम को छोड़ देना चाहिए अभी ठीक है हाँ हाँ बोल तुम्हार তোমার কো যে কোশ্চেন থাকলে ম্যাডাম কে দিয়ে দাও কারণ ম্যাডাম তো ইভিনিং দাদা হ্যাঁ হ্যাপি জন্মাষ্টমী হ্যাপি জন্মাষ্টমী দাদা না গৌতম দা মেরা তো কোচ কোশ্চেন নেই আর রাজেশ স্যার যহাঁ পর হ্যায় রাজেশ স্যার তো বহুত अच्छे से इसको कम्युनिकेट कर रहा है आई थिंक दैट राजेश इज अ एसेट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन सो मेरा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है कोई इनपुट कुछ इनपुट देना चाहता है तो इनपुट दे दीजिए तो मैडम वो भी ऐसा कुछ इनपुट वाला नहीं है जो राजेश जी बोला है मैं भी उसको सपोर्ट ही कर रहा हूँ
तो देखते हैं क्या कोटेशन आते हैं क्या आते हैं। मेन मेन हम लोग का मेन एक ही चीज है रिन्यूअल, तो रिन्यूअल का हेडेक हम लोग का नहीं रहना चाहिए, मेन बात वहीं पे है, क्योंकि हम लोग तो अरेंज कर लेंगे लेकिन उसके बाद हम लोग जेब से पैसा देना पड़ेगा, वो काम नहीं करेंगे हम लोग। मेन बात वहीं पे है कि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो जेब से पैसा देने का बात होता है, तो वही हम लोग नहीं करेंगे। सबके अच्छा के लिए ये मेरा घर बिक के इसका प्रीमियम भरना, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। सही है कि राजेश जी? आप तो मेरे को बाल बाल बचा दिया, नहीं तो मैं फंस जाता था, हम तो इमोशनली कर देता था पॉलिसी। सेकंड ईयर मेरा घर वो फ्लैट बिक के उसका पॉलिसी का रिन्यूअल देना पड़ता, काम नहीं करने देगा। तो आप तो बबल बचा दिया, क्यों तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करने से सब तो आइडिया हो ही जाता है ना कि आगे का क्या है, पहले देखने का। एग्जैक्टली अच्छा, वही सबसे प्लस पॉइंट है। हां ये मैडम का एक ही, हां मैडम का यही रिक्वेस्ट करेंगे आप, देखिए कैसे इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये एक बार हम लोग अच्छे ढंग से कर पाएंगे तो इसमें कितना आदमी जुड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं वो भी बात है, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बेस्ट पार्टी होगा बीइंग ए ब्रोकर, अपने एजेंट से रीच इनका कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। नो वो सीधा ये हम ये नहीं नहीं हम सीधा बोलते हैं राजेश जी, आप कोई ये बिमल रिलायंस का कि बिमल का शूटिंग शूटिंग का जो मेन जो कंपनी का शोरूम है वहीं से आप खरीद कीजिए, और हमारा कलकत्ता बड़ा बाजार में आप उसका डीलर का दुकान से खरीद कीजिए, किसमें आपका दाम कम पड़ेगा वो बताइए। शोरूम का प्राइस, शोरूम का वो जो प्राइस है वो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ा बाजार में उसमें एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ये है ब्रोकर हाउस में हम लोग ज्यादा डिस्काउंट मिलना चाहिए डायरेक्ट कंपनी से, क्योंकि ब्रोकर हाउस क्योंकि ब्रोकर हाउस बहुत ज्यादा बिजनेस करता है, इसलिए वो लोग का अलग से, जैसे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का जो पे आउट जितना मिलता है इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर उसका आधा भी नहीं मिलता है, ये तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर तो पता ही नहीं है उनको, सेम प्रोडक्ट में आधा नहीं मिलता है जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का जो मिलता है। तो उनका रीच थोड़ा ज्यादा रहता है तो लोग अपने से ज्यादा बात करते हैं। और मेन बात है थ्रू ब्रोकर हाउस जाने से जो फायदा मिलेगा वो ये है क्लेम सेटलमेंट, जो डायरेक्ट में क्लेम सेटल में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम आएगा, को मीडिएटर कौन रहेगा, कौन उसका सेटल करेंगे। नहीं नहीं सही बात है। तो ये क्या है ब्रोकर हाउस रहने से क्या होता है कि वो लोग क्लेम नहीं देंगे तो ब्रोकर हाउस बोलेंगे जी अगला साल आपका प्रीमियम हम दूसरा कंपनी में घुमा देंगे, तो तुरंत उसका सेटल कर लेंगे। मैडम सही बोला है कि गलत बोल रहा है? सर मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं जितना सहयोग दे सकती हूँ आई विल डेफिनेटली ट्राई। इट इज माय मेरे लिए फॉर्चुनेट है कि मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूं। मैं जितने भी कंपनीज में मेरी रीच है, मेरे मैं पूरा पैन इंडिया, मेरे ऑफिस पैन इंडिया है, मेरा अराउंड 12 रीजनल ऑफिसेज हैं 12 रीजन में, तो कहीं ना कहीं से सर कोई ना कहीं से मैं काम जरूर करवा दूंगी। मैं कल जितना जैसे भी बातचीत होती है वो करके मैं आप लोगों को बताती हूँ, एंड सर बाकी तो देखिए होना होगा तो इट विल डेफिनेटली बी डन। मतलब आई बिलीव इन दिस ओनली कि मैं सिर्फ एफर्ट्स कर सकती हूँ, बाकी होना नहीं होना इज नॉट इन माई, डोंट वरी मैम, हम लोग भी एफर्ट करते हैं। एंड मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है सब लोगों को देखते हैं, फ्यू ऑफ देम आई नो ऑल्सो, तो अच्छा लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ पाऊंगी आप लोगों के साथ। मैम केवल कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश फ्रूटफुल हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो नहीं। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल बात यही है कि आप लोगों ने इतना अच्छा एटमोसफियर दिया हुआ है कि ऐसा कोई प्रेशर पुटअप नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है मुझे, तो मैं भी अपना दिखाना चाहूंगी कि वॉट वी कैन डू, and I will definitely reach to the extent I can, sir. Okay, thank you, madam. Thank you. हाँ,
ये मैडम, ये तो मैडम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आप तो देख लिया है, पैन इंडिया में और एक दो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा आरओसी रजिस्टर्ड है जिसका इतना अच्छा डॉक्यूमेंटरी नहीं है। हम लोग का ऑडिट रिपोर्ट है लास्ट 3 साल का, पूरा ऑडिट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, सब कुछ है। जो जनरली जितना आईएफए ऑर्गेनाइजेशन है इतना इतना क्लैरिटी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में, जो जिसलिए आप इंश्योरेंस कंपनी में जो टाई अप करने के लिए ये हमारा जितना क्लैरिटी है मेरा ख्याल से बहुत सारा ग्रुप बन सकता है, लेकिन एज ए ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगा, कम से कम आईएफए ऑर्गेनाइजेशन आप तो देख लिया ना। हेलो मैडम, हेलो जी 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 सर, एकदम सही बोला। तो आप तो देख लिया ना हमारा CINEOIN नंबर है, सब कुछ है, वो साइट पे जाके वो आरओसी साइट पे जाके वो पूरा पता चल जाएगा। डिफिकल्टी आती है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, एंड लेट अस सी हाउ व्हाट बेस्ट वी कैन डू सर। ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दादा, थैंक यू, हां गुड नाइट। आप छोड़ दीजिए, हम लोग थोड़ा आपस में थोड़ा कुछ बातचीत करेंगे, हाँ आप लिप कर जाइए। विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, और एक कंपनी है उनको को अभी बुलाएंगे, वो अभी उनका लिंक नहीं भेजा है कि इनके साथ बात हो रहा है, इसलिए हम उनको इसमें घुसने नहीं दिया। बात मत करिए, एक बार जो पॉइंट्स है, हाँ, एक बार ये कंपनी किस लेवल तक आगे जाता है उसके बाद ही अपने आगे बात करेंगे, कारण एक साथ में दो चार कंपनी को बुला लेंगे अपने को एक लेवल सेट होना पड़ेगा कि इतना फ्यूचर हम लोग को मिल रहा है, इसके आगे आप क्या नहीं दे पा रहे, उसके बाद ही बोलेंगे ये आप देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट नाउ अभी तक इनका कोई भी पॉइंट ये नहीं आया है कि हम ये फ्यूचर आपको नहीं देंगे। जैसे अभी मनोज का क्वेश्चन आया था कि ये रिन्यूअल एवरी मंथ करना होगा या एक ही पॉलिसी बनेगा, तो ये बात मेरे को मालूम है एक ही पॉलिसी बनेगा, लेकिन हमने इंसिस्ट करा कि हम 100 मेंबर्स है तो 100 पॉलिसी बनाएंगे रेदर देन गोइंग फॉर इवन 12 पॉलिसीज की एवरी मंथ एक एक करके बनाए। जब एज ए ऑर्गेनाइजेशन अपने को कुछ कंट्रोल नहीं करना है, आप प्रीमियम दिया आपका आज पॉलिसी बन गया, कोई कल दिया उसका कल से बन गया, ठीक है। अगर वो लोग कोई पॉइंट पे आके रुकते हैं तो अपने उसको हमने वालों को बोल सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी हम लोग का एग्रीड अपॉन है, व्हाट मोर यू कैन ऐड अपॉन दिस पॉइंट, जो हमारा पॉइंट छूटा हुआ है हमका ये दो डिमांड और है, इफ यू कैन ऐड टू इट देन विल कम टू यू, अदरवाइज विल नॉट कम टू यू। तो उस सेकेंड आदमी से बात करने में अपने पास कुछ मैटर साथ में रहना पड़ेगा, आज इस मैम से जो बात करें अपने पास कोई मैटर नहीं है, अपने खाली बोल रहे हैं हमको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, होगा नहीं होगा अपने को मालूम नहीं, तो लेटर फर्स्ट से नो और लेटर फर्स्ट से कि टिल व्हाट एक्सटेंड चीज सेइंग कि ओके हम इतना इतना पॉइंट आपको दे देंगे। तो बाद में सेकंड आदमी अपने कभी भी पिक्चर में लेके आ सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द कोट, पहले प्रोडक्ट का जो फ्यूचर्स है उस फ्रेमवर्क का वो एक बार सेट कर ले, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट कमिंग इन, उसके बाद दूसरा से बात करके फिर उससे आगे बढ़ेंगे कि इतना हमारा बड़ा है, अब आप बोलिए और क्या देंगे, व्हाट मोर यू कैन ऐड टू इट, हाउ यू कैन मेक ए बेटर प्रोडक्ट। तो सामने वाला भी थोड़ा प्रेशर में रहेगा प्रोडक्ट को इम्प्रूव अपन करने के लिए। ऐसे क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करेगा, और मैडम को भी अपने बोल सकते हैं मैडम देखिए आपने ये प्रोडक्ट जो बनाया है हम लोग को दो इसमें फ्यूचर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग को बोर्ड मीट में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग दूसरे कंपनी से बात कर रहे हैं, दूसरा कंपनी ऐड ऑन करने के लिए बोल रहा है, आप भी कोशिश करिए ऐड ऑन हो सकता है क्या, प्रीमियम आपका ये आ रहा है उसका प्रीमियम कम आ रहा है, सेम फ्यूचर्स है प्रीमियम कम बेसी हो सकता है क्या, उसका में काम बन गया अपना। तो एक बार बेसिक प्रोडक्ट फ्यूचर आने दीजिए हाथ में, फिर बात करते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए। हेलो
हेलो हेलो हेलो हाँ राजेश सर, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है ना मेरी बात, क्या बोला मैं? और आपका बात जो है इट्स वेरी लॉजिकल, आई थिंक सो। राजेश सर जो बोल रहा है इट्स क्वाइट लॉजिकल। आई थिंक दैट वी शुड वेट फॉर द कोटेशन which we will provide by Astha ma'am, that will be better for us. After getting it, we can think of it that we can communicate with other people also. So whatever they are. But at first, I think that it's better for us to wait about Astha ma'am's quote. But Rajesh sir, I have one doubt that is it good to just take the quotation from the government, that means the PSU companies? देखिए अगर पीएसयू का कोटेशन हाथ में आ जाता है तो प्राइवेट कंपनी अपने आप उसको सेट कर देंगे। जब तक पीएसयू का कोटेशन नहीं आएगा प्राइवेट कंपनी इतना सीरियसली लेंगे नहीं मैटर को। कारण मेरा प्राइवेट के साथ एक्सपीरियंस हुआ हुआ है तो उनका यही कहना है कि ऐसा पॉलिसी नहीं है, ऐसा फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा शुरू में लोग सब यही बात बोलते हैं। लेकिन जब हम उनको प्रोडक्ट दिखा देते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गोइंग विद, तब वो लोग बोलते हैं कि ठीक है ओके लेट मी कंसीडर। और उनका बेस्ट पार्ट है कि उनका जो डिसीजन होता है इट डजंट टेक मंथ्स टू कम, इट टेक्स डेज ओनली, दो दिन तीन दिन में डिसीजन आ जाता है। जैसे मैंने एक जजेस का इंश्योरेंस करने का प्रोग्राम किया था तो मैंने एक प्राइवेट कंपनी में बात किया, उसने स्टेट में मेरे को दूसरे दिन ही बोल दिया we will not do insurance for lawyers and the judges as far as group insurance is concerned. Absolutely sir, logical, very logical. तो हमने उनको पूछा क्या reason है, क्या logic है for my common sense, तो उनका कहा कि देखिए उनका claim no doubt आप जो pre-existing disease का भी point ले रहे हैं आपको claim सब कुछ मिलेगा, there is no question कि your claim will get rejected, but still there might be situation where a claim is getting rejected for various other reasons. मे बी उनका चेक फैमिली क्लियरेंस नहीं हुआ और क्लेम हो गया, कुछ भी बात हो गया, तो बीइंग ए जज और बीइंग एन एडवोकेट या कुछ भी ये लोग लॉयर्स लोग हैं, कुछ भी हमारा प्रॉब्लम होगा तो नो लॉयर्स विल फाइट ए केस फॉर बजाज इन द कोर्ट। जो भी कंपनी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं बजाज है या फॉर दैट मैटर रिलायंस है, कारण वो पूरे ऑल इंडिया लॉयर्स की बात चल रही है उसमें, तो बोलते हैं अननेसेसरी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो हम उस टाइप का काम नहीं करना चाहते क्योंकि काम करेंगे गलती होगा। कितना ही हम बात बोल दें कि आपको 100% क्लेम मिलेगा, जरूरी नहीं है कि 100% मिलेगा, दो चार क्लेम रिजेक्ट होना ही होना है। आज वो दो चार रिजेक्ट होगा उसमें जो भी लॉयर होगा वो तो केस कर देगा कोर्ट में, उसको क्या जाता है, पैसा भी नहीं लग रहा, जज भी उसी का कोर्ट भी उसी का, तो उसका मेरे को लॉजिक एकदम समझ में आया कि क्यों नहीं करना चाहता है। राजेश जी आप जो बोला ना सही है, आज सुबह हम टाटा जो जनरल इंश्योरेंस का जो नेशनल हेड है उनके साथ बात किया था, उनके साथ मेरा बहुत दोस्ती है बहुत दिन से, तो ये तो बोला आप जो बोला है जी आप पहले कोटेशन ले लो उसके बाद हम देख लेंगे। आप जो बात बोला ना वो मेरे के ऐसा ही बात बोला कि आप पीएसयू से एक कोटेशन ले लो उसके बाद उसका हम फिट कर देंगे। उनको बिजनेस चाहिए तो लोग अपने आप फिर अच्छा ये बिजनेस अगर सेम कोटेशन दे रहा है तो अपने बोलेगा पीएसयू में जाएगा, वो अपने को अपने आप रेट डाउन कर देगा और फ्यूचर बढ़ा देगा, दो ठो फ्यूचर बढ़ा देगा। तो लेट देम कम अप विद द फ्यूचर, लेट देम से नो दीज आर द फ्यूचर विल नॉट गिव, कारण अपने जो उनको रिक्वायरमेंट दी है बहुत टॉल रिक्वायरमेंट दी है। कारण ये मैम को भी बात मालूम भी पड़ा है, जैसे भी मैम बोला कि वो रिन्यूअल वाला पॉइंट है वो मैम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी पॉइंट होता है क्या। हाँ वाज सो हैप्पी कि पॉलिसी बच जाएगा रिन्यूअल के लिए, गौतम दा को पकड़ लेगा हो गया। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं उसपे क्या है कि कोई भी पिक्चर में नहीं आ रहा, तो उसमें क्या है कि कोई पिक्चर में नहीं आ रहा, अपना हेडेक खत्म हो गया। तो मैम को लग रहा खाली एक ही पॉइंट है लेकिन वो बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर दूसरा है, दूसरा जो पॉइंट है कि द पॉलिसी शुड बी मेड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, तो क्या है कि आपको रजिस्टर्ड डाटा वाटा कुछ मेंटेन करने का नहीं है, आपको खाली आपके पास पेपर आएगा आपको स्टम्पिंग करना है कि आई का अप्रूव मेंबर है आप पॉलिसी बना दो खत्म, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। लाइक दैट नोटरी,
नोटरी स्टैंपिंग करना है, पॉलिसी बना लिया, पॉलिसी आ गया, दे दिया, फिर आप जानो आपका काम जानो, आपका रोल कहीं पे भी नहीं रहेगा। फिर उससे क्या होगा कि नहीं तो एवरी सेकेंड डे वन क्लेम विल कम, व्हाट्सएप आपको फोन करेगा, तो क्लेम आप हैंडल नहीं कर सकेगा। 500 मेंबर का होगा तो डेफिनेटली साल में कम से 50 क्लेम होना ही होना है मिनिमम। तो हम वो नहीं चाहते कि आपके ऊपर हेडेक हो या कोई भी अपने मेंबर्स के ऊपर हेडेक हो, वो कुछ काम चाहते ही नहीं है, वो सब आउटसोर्स कर देगा। तो क्या है कि जिस दिन पॉलिसी बनाएगा अपने एक मेंबर को क्लियर कर देगा, टर्म्स एंड कंडीशन सेट आउट कर देगा कि इन केस ऑफ क्लेम यू नीड टू कॉल ओनली दिस नंबर एंड दिस पर्सन एंड दिस ऑफिस, नो नीड टू कॉल एनीबॉडी इन द बोर्ड। तो उससे क्या है कि कोई आपको फोन ही नहीं करेगा, झमेला खत्म हो गया आपका। क्लेम कहाँ फाइल करना, वो सारा पेपर अपने लेटर बना देगा, उसके साथ पकड़ा देगा, जो फॉर्म देगा उसमें सारा पॉइंट क्लियर रहेगा। If you agree to all these points, then only you fill up the form. अपने ये नहीं बोलेंगे फॉर्म पहले फिल अप करिए और बाद में हम आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है who will handle the claim part, how the claim will be processed, whom to call, whom not to call. ये सारा बात अपने एक भी बोर्ड मेंबर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कौन आदमी कहाँ बीमार होगा, कौन सा हॉस्पिटल में होगा, कौन सा कहाँ क्लेम सबमिट करना है, कोई बोलेगा हम क्या नाम है दुर्गापुर में प्रॉब्लम हो गया, उसका क्लेम सबमिशन कलकत्ता में तो पॉसिबल नहीं होगा ना आके सबमिट करे क्लेम। कोई आदमी सिलीगुड़ी का है, कहाँ क्लेम सबमिट होगा, वो पॉइंट अपने को सारा सेट अभी कर देगा तो अपने हेडेक खत्म हो गया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दुर्गापुर का आदमी आपके पास आ गया, आपका ऑफिस में बैठ गया, सर क्लेम फाइल करिए हमारा, तो आप क्लेम फाइल करेगा कि दूसरा काम करेगा उस समय, और आपके पास आ गया तो आप ना भी नहीं कर पाएगा, तो बात अपने पहले ही क्लियर कर देगा कि आपके पास आने ही नहीं है। जिसको खराब लगेगा पॉलिसी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा क्या दिक्कत है। एग्जैक्टली ये बात। और बोलिए सुरजीत, एनी क्लैरिटी आर के आचे तमालदा, हेलो तमालदा सुनते पाच्छेन? हाँ तमालदा कथा बोला जाबे? हाँ बोलुन बोलुन। बोलछी जे जे एतक्षण जे आलोचना गुलो होलो सेई आलोचना राजेश जी जेभावे बोललेन आर कि, तो सेटा ভীষণ ভীষণ ভালো, এবং এটা হলেই আমরা করব, নালে করব না, নালে নেক্সট ইয়ার রাজেশ আমাকে খুব বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছে। আমি তো ইমোশনালি এই বছর পলিসিটা করিয়ে দিতাম, নেক্সট ইয়ার আমাদের সবাইকে বাড়িঘর বেচেও প্রিমিয়াম দিতে হতো, লোকে দিত না, অর্ধেক লোক দিত, অর্ধেক লোক দিত না, ব্যাস। তো সিস্টেম এটা হলে তবেই আমরা এগোবো, নালে এগোবো না, পরিষ্কার। আইআরডি রুল মেনে, কোম্পানি রুল মেনে, হ্যাঁ যেটা করতে হবে সেটাই আমাদের যে ক্রেডেনশিয়ালটা আছে আইকার, সেই ক্রেডেনশিয়ালটা সবাই তার লাভটা পাবে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। আমরা বলছিলাম না গ্রুপ পলিসি, এরকম আমার 200 জনের একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপকে কিন্তু সেই ফেসিলিটিস দেবে না, মানে আজকে ক্লিয়ার হয়ে গেল, কারণ আমাকে কালকেই ম্যাডাম আমার কাছ থেকে আমাদের অর্গানাইজেশনের সবকিছু চেয়ে নিয়েছে, মানে সিআইএন নাম্বার থেকে তার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট এগুলো সব দিয়েছি, সেগুলো এখন ভেরিফাই হচ্ছে যে অর্গানাইজেশনটা কতদিনের, এর ক্রেডেনশিয়াল কি আছে সবকিছু। তো এটা সেই জন্য আমরা যে গ্রুপ ফেসিলিটিটা দিতে পারবো, সেটা এমনি আরো যারা এমনি আরো ছোট ছোট আইএফএ অর্গানাইজেশন করেছে তারা করতেই পারবে না সত্যি কথা বলতে। অটো সিস্টেমে চলবে, মানে কোনো চাপ নেই কারো, হেডেক ফ্রি কাজ, হেডেক ফ্রি থাকবে।
আর সবাই জানবে যে তার ক্লেমটা তাকেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেখানে তার স্পেসিফিক লোক থাকবে। সেই জন্যই ব্রোকিং হাউসটা দরকার, এই কারণে যে সে ব্রোকারকে ধরতে পারবে। আমাদের ব্রোকিং হাউস দিয়ে করতে হবে, এই কারণে আমরা ডাইরেক্টলি পেলেও ডাইরেক্টলি করবো না, কারণ আমাদের মিডিয়েটার হিসেবে ব্রোকিং হাউসকে রাখলে যাতে ক্লেমের ব্যাপারে সে তারা হেল্পটা করে। এটা তো মেইন ইস্যু, ওটাই মেইন ইস্যু, ওটাই মেইন ইস্যু আছে। তো ওই ক্লেম সেটেলমেন্ট ব্রোকিং হাউস যেভাবে করতে পারবে, যেটা আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি পারবো না করতে, তো তাতে প্রিমিয়াম যদি 10 টাকা বেশিও যায়, আমার মনে হয় ব্রোকিং হাউস দিয়ে করলে আমরা আরেকটু ফ্রি হয়ে যাব। কেউ আমাদের নিয়ারেস্ট ডিয়ারেস্টের ক্লেম হলো, সে আমাদের কাছে বারবার রিকোয়েস্ট করছে, তো আমরা তখন ওই ব্রোকিং হাউসকে বলবো যে এর কেসটাকে যেভাবেই হোক মেটাও, যেভাবেই হোক অ্যারেঞ্জ করো। আর ব্রোকিং হাউসের হাতে ক্ষমতাটা এতটাই থাকে যে ওরা যেহেতু প্রচুর কোটি কোটি টাকা প্রিমিয়াম দেয়, তো কোনো কোম্পানির একটা 2-4 লাখ টাকা প্রিমিয়াম ক্লেম ওদের কাছে দেওয়াটা, সেটা লিগ্যালিটিস থাকুক বা না থাকুক, ও বললে করে দেয়, যে জানে যে একে যদি আমি ক্লেমটা না করে দিই তাহলে সেকেন্ড ইয়ার বিজনেসটা অন্য কোম্পানিতে চলে যাবে। শান্তনু কিছু বলবে? শান্তনু না না, আরে আরে সবার মতামতটা খুব দরকার জানো তো, ভালো কাজ করতে গেলে রাতারাতি হয় না, প্রত্যেকের পয়েন্ট থেকে কিছু বেরিয়ে আসবে। সুব্রত বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে, ওর বোধহয় লাইন ডিস্টার্ব নাকি, না ও তো সুব্রত আছে তো। সুব্রত আর কিছু বলবে? শুনতে পাচ্ছি? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, মানে ঠিক আছে, মানে ঠিক আছে। কমলদার, কমলদার গলাটা আজকে শুনে খুব ভালো লাগলো। হ্যালো কমলদার, মানে গলাটা আজকে বেশ লাগলো, ভালো লাগলো। এই সুব্রত এক সেকেন্ড দাঁড়াও, গৌতম দা বলছি যে আমার মনে হয় না আইদার আমরা ইংরেজিতে বা হিন্দিতে যদি কথা বলতে পারি তাহলে রাজেশ স্যারও হয়তো বুঝতে পারবেন। সুরজিত আমি বলি, তমালদাকে তোমরা যেমন হেল্প করেছো, রাজেশ কিন্তু আমাকে হেল্প করলো এই এই পলিসির ব্যাপারে, আদারওয়াইজ কিন্তু আমি মানে যাতা হয়ে যেত। আমি বুঝতেই পারছি না সুব্রত, গৌতম দা অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আই আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম রাজেশ স্যারস কমিউনিকেশন দ্যাট ইজ এ ভেরি এক্সপার্ট এন্ড এ রিয়েল অ্যাসেট ফর আওয়ার কমিউনিটি। এক্স্যাক্টলি, ইজ এ রিয়েল অ্যাসেট ফর আওয়ার কমিউনিটি। এবং আজকে রাজেশ ইন্ডাস্ট্রিতে আজকে লাস্ট 25-30 বছর কাজ করছে এবং বিগ বিগ পিপল হ্যান্ডেল করে। রাজেশ, রাজেশের ছেলে সিএফপি, সেটা জানো? নো, আই ডোন্ট নো। তো সেই দিক দিয়ে অনেক কিছু আছে। তো যাই হোক, এটাই আমাদের সুবিধা কি, আমরা যত ভালো জিনিস চাইছি তো ভগবান কাউকে না কাউকে ঠিক পাঠিয়ে দেয় যে হ্যান্ডেল করে এটা, তাই না? এই কনসেপ্টটা তো পুরো আমরা জানতামই না সত্যি কথা বলতে, কজন জানতাম বলো? আমরা গ্রুপ মানে তো নর্মাল যে গ্রুপ পলিসি সেগুলোই বুঝি, আর তো বুঝি না। তার মেরিজ ডিমেরিজ কতটুকুনি আমরা করি, তো দিস ইজ ভেরি গুড, হোপফুলি একটা রাস্তা বেরোবে। আর আমি আজকে বললাম যে আমি টাটা এআই টাটা জেনারেলের যে ন্যাশনাল হেড আছে তার সাথে আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছি অনেক বিষয়ে, সে একটাই বললো যে তোমরা আগে ন্যাশনাল ট্যাশনাল এগুলো থেকে কোটেশন নিয়ে নাও, নিয়ে আমাকে কোটেশনটা দিও, তারপর আমি যা করার করে দেবো। এই হচ্ছে কথা। তো আগে আমরা দেখে নিই, আর যেটা বললো পিএসইউ যেটা দিতে পারবে সেটা অন্য কেউ দিতে পারবে না, এটা ঠিক কথাই। তো ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে তো আজকে আমরা এখানে শেষ করি নাকি, আর কিছু বলার না থাকলে? ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে 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 ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
गुड नाइट। Good night.